जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा। अब आपको दिखाते हैं कि डॉक्टर जाकिर नायक नाम के एक मुसलमान वक्ता हैं, उनका और पूरे मुसलमान धर्म का मानना है कि परमात्मा निराकार है, बॉडी लेस है, उसकी बॉडी नहीं है। और अपने इस वचन की पुष्टि के लिए, अपने इस ज्ञान की पुष्टि के लिए डॉक्टर जाकिर नायक जी ने वेदों और उपनिषदों का समर्थन लिया है। वो दिखाते हैं डॉक्टर जाकिर नायक के प्रवचनों से भी और उन प्रवचनों से बनी हुई उनकी पुस्तकों से वो परमात्मा को कैसा मानते हैं। डॉक्टर जाकिर नायक जी द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक इस्लाम और हिंदू धर्म में समानताएं, इसका नाम है। इसमें दिखाते हैं ये पुस्तक इनकी वीडियो कैसेट से डिटो कॉपी की गई है। ये देखिएगा पुस्तक डॉक्टर जाकिर नायक की, इस्लाम और हिंदू धर्म में समानताएं। इस्लाम और हिंदू धर्म में समानताएं, डॉक्टर जाकिर नायक, अनुवादक हैं A.M. फहीम जी, यहाँ से छपी है और ये इसका पूरा डिटेल है। कॉपीराइट 2008 ऐसे। ये यहाँ से छपी है, 2012 का संस्करण है, लेटेस्ट। प्रकाशक है A.M. फहीम अल हसनात बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये इतने। इस पुस्तक में दिए गए सारे हवाले और मजमून की पूरी सारी जिम्मेदारी से लेखक की है। अगर किसी को कोई बात समझना हो या कोई एतराज़ हो तो इस विषय में किताब के लेखक डॉक्टर जाकिर नायक साहब से इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और इनके फैक्स नंबर भी हैं। प्रिंटेड बाई HS ऑफसेट प्रिंटर्स, चांदनी महल, नई दिल्ली। इतने गाहियाँ देखना, भगवत गीता के 7वें अध्याय के 20 श्लोक का रेफरेंस दिया है। भगवत गीता हिंदू ग्रंथों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। भगवत गीता अध्याय 7 के 20 श्लोक में लिखा, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं ने चुरा ली है वही अर्ध देवताओं की पूजा करते हैं। अर्ध यानी अधूरे देवताओं की पूजा करते हैं, अर्ध। अब इस पुस्तक से हमने इतना ही लेना है। अब आपको दिखाते हैं इंग्लिश के अंदर एज इट इज इसी की स्पीच है, ये देखिएगा। सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुज्म एंड इस्लाम, डॉक्टर जाकिर नायक। ये है वही, सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुज्म एंड इस्लाम बाय डॉक्टर जाकिर नायक, फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड। सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुज्म एंड इस्लाम, डॉक्टर जाकिर नायक, एडिशन 2008 का, रुपये 40, मूल्य 40। फरीद बुक प्रिंटेड बाय मोहम्मद नासिर खान फोर, फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, स्ट्रीट पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। इतने जो और ब्रांचेज, ये सारा डिटेल दे रखे, प्रिंटेड इन फरीद एंटरप्राइजेज, दिल्ली 6। ठीक, अब इसके हम आपको ले चलते हैं इस पुस्तक के पेज नंबर 10 पर। यहाँ से पढ़ते हैं हम भगवत गीता का वही अध्याय नंबर 7 के, द मोस्ट पॉपुलर अमंगस्ट ऑल द हिंदू स्पिरिचुअल्स इज द
भगवत गीता, द भगवत गीता मेंशन अध्याय चैप्टर 7 मंत्र 20, इसका रेफरेंस देख रहे इन्होंने क्या सिद्ध किया है कि दोज हुज इंटेलिजेंसी हैज बीन स्टॉलन बाई मेटेरियल डिजायर्स वर्शिप डम्मी गॉड्स, डम्मी गॉड्स अधूरे भगवानों की पूजा करते, दैट इज हुज हु आर द मेटेरियलिस्टिक दे वर्शिप डम्मी गॉड्स, यानी आई ई ओदर एज डैट इज बिसाइड्स द ट्रू गॉड। अब ये कहने का भाव ये है कि कुछ तो हिंदू सत्य भगवान यानी ब्रह्म की पूजा जो एक मानते हैं उसकी करते हैं, और अधिकतर यानी जो हिंदू हैं वो डम्मी गॉड अधूरे अर्ध गॉड यानी इनकम्प्लीट गॉड की भक्ति करते हैं। अब जो कंसेप्ट क्लियर करने दास जा रहा है कि भगवान को मुसलमान धर्म के व्यक्ति, वैसे तो पूरे विश्व के व्यक्ति सभी निराकार कहते हैं क्योंकि तत्व ज्ञान उनको है नहीं, तो मुसलमान धर्म के ऊपर आज प्रवचन चल रहे हैं, तो मुसलमान धर्म के व्यक्ति परमात्मा को बॉडीलेस मानते हैं, निराकार मानते हैं, बेचून कहते हैं। और आगे देखो इसका कंप्लीट इन्होंने कंसेप्ट भी क्लियर कर दिया है कि जो हम कह रहे हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक जी कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं कि परमात्मा निराकार है, उसी के समर्थन में उन्होंने वेदों के कुछ मंत्र लिए हैं और उसमें उदाहरण दिया है कि इन वेदों में भी ऐसा ही कहा गया है और हिंदुओं ने ही उसका अनुवाद किया हुआ है, अपने समर्थन में लिए गए उनके प्रवचन दिखाते हैं इसी बुक में। ये इंग्लिश एडिशन है, सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुज्म एंड इस्लाम, ये पुस्तक है डॉक्टर जाकिर नाइक की। इसके हम प्रश्न नंबर 10 पर पढ़ रहे थे, ये हमने पढ़ लिया डम्मी गॉड्स के बारे में। यहाँ देखो नीचे यजुर्वेद चैप्टर 40 और मंत्र नंबर 8 में क्या कहा है कि इट इज मेंशन्ड इन यजुर्वेद चैप्टर 40 वर्स 8, ही इज बॉडीलेस एंड प्योर, यानी परमात्मा बॉडीलेस है, उसका शरीर नहीं है, उसकी काया नहीं है, वो ठीक है और शुद्ध है। अब देखिएगा ये है खुद बात डॉक्टर जाकिर नाइक, यानी डॉक्टर जाकिर नाइक के अपने वचन, ये एक पुस्तक है हिंदी अनुवाद मौलाना मोहम्मद इमरान कासिम विज्ञानवी फरीद बुक डिपो दिल्ली इतने सर्वाधिकार प्रकाशक के लिए सुरक्षित हैं। नाम किताब खुद बात डॉक्टर जाकिर नाइक, उर्दू अनुवाद सैयद रोहन शाह, तरतीब एवं संकलन अमर शहीद, हिंदी अनुवाद मौलाना मोहम्मद इमरान कासिम, संयोजक अल हाज मोहम्मद नासिर खान, 2100 तादाद यानी संख्या, प्रकाशन 2011 का, कंपोजिंग इमरान कंप्यूटर मुजफ्फरनगर, प्रकाशक फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड 2158 MP स्ट्रीट पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली इतनी। अब यहाँ देखिएगा 186 पे कहा है उसको देखा नहीं जा सकता, कोई भी उसे आँखों से नहीं देख सकता, ठीक है। यहाँ देखिएगा खुद बात डॉक्टर जाकिर नाइक 187 पृष्ठ पे दुनिया के धर्मों में खुदा का तस्वर, यहाँ देखा वह बगैर जिस्म के है और सच्चा है, यह यजुर्वेद 40 का मंत्र 8 में बयान किया गया, वह रोशन है बगैर जिस्म के, बगैर जख्म के और बगैर जिस्मानी सेल्स के, ऐसा खालिस कि जिसमें शैतान नहीं झांक सकता, ठीक। अब कहने का तात्पर्य डॉक्टर जाकिर नाइक जी का है कि परमात्मा निराकार है, वो बिना शरीर का है, बॉडी लेस है,
उसको कोई नहीं देख सकता। तो निराकार का देख है कि, और पुण्यात्माओं वास्तविकता क्या है कि परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश्य है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। और डॉक्टर जाकिर नाइक जी क्या मानते हैं, परमात्मा निराकार है। तो इसे सिद्ध है कि ये विद्वान नहीं है, ये अपने आप भी भ्रमित है और अन्य मानव समाज को भी भ्रमित कर रहा है, पूरे मुसलमान समाज को भ्रमित कर रहा है। अब पुण्यात्माओं कहते हैं जिनके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता वो उवाबाई बकते हैं। Thank you.